हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। देश की सरकारें और अदालतें जमीन के लिए लाख कानून बना दे, लेकिन भूमाफिया पैसों की दम पर हर कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। ताजा खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के मंत्री के क्षेत्र देवरी से जुड़ी है, जहां देवरी से 4 किलोमीटर दूर चीमा ढाना नाम के इलाके में दर्जनों स्टोन क्रेशर नियमों की परवाह करे बिना यहां धड़ल्ले से स्टोन क्रेशर चला रहे हैं। इतना ही नहीं, यह स्टोन क्रेशर बिना सेफ्टी संयंत्रों के और सूचना के बिना ब्लास्टिंग कर रहे हैं। SRTM स्टोन क्रेशर कंपनी के कर्मचारियों ने बिना सूचना के ब्लास्ट कर दिया। तकरीबन 30 फीट तक पत्थर फोड़े गए, जबकि बाजू से गांव लगा है और आए दिन पत्थर उछलकर लोगों के घरों में गिरते हैं। अब जब इंतहा हो गई तो लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने हंगामा मचा दिया। इस ब्लास्ट से 100 मीटर की दूरी पर रह रहे ग्रामीणों के कच्चे मकान के छत क्षतिग्रस्त हो गए। ग्रामीणों ने देवरी थाना में SRDM स्टोन क्रेशर के कर्मचारियों की शिकायत कर अब उन्हें चेताया है कि जल्द इन स्टोन क्रेशरों पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन भीषण होगा। ब्लास्टिंग चला, बच्चे खेल रहे थे और उसने ब्लास्टिंग चला दी। तो आपका खदान के पास मकान है? हाँ, खदान से थोड़ा दूर ही मकान। नहीं दिए सर, 9 बजे चला दिए उसने। क्या हो गया आपका, नुकसान क्या हो गया? कुटी में दरार आ गई। हाँ, हवाई का घर में दरार है। आगे कैसे आ गई आपके घर में? जहाँ जब घला था सुबह हमारे घर में ब्लास्टिंग। हाँ। कितने दूर है आपका घर? दूर कछु नहीं आता ना, कहीं थोड़ी दूर पे। हाँ, तो बताते नहीं आप लोगों को ब्लास्टिंग कर रहे हैं? अभी नहीं बताए। अच्छा, घर में ही पत्थर गिर रहा है? घर में इतना बड़ा, हम कह रहे घोड़े पे बच गया, सही में घोड़ा टूट जाए। आज सुबह की बात थी, सुबह 8:30 बजे किसी को ना तो न्यूज दी है, न जानकारी दी है, न हमारे गांव के ग्रामवासियों को दी है। उसके बाद इनने हमारे यहाँ 40 फुट तक का गड्ढा चलाया। किसने चलाया? जी चलाया सतीश शर्मा ने, क्रेशर खदान और सतीश शर्मा क्रेशर खदान वगैरह जी। क्रेशर है इनका SRD कंपनी की क्रेशर है, और इनके यहाँ कई बार हमने रोका भी, उसके बावजूद भी नहीं मानी गई, और कई बार इनकी हमने शिकायत भी की। आज घटना ये हुई है कि 2-3 तो मकानों में दरार आ गई है, एक मकान की एक तरफ से दीवार गिर गई है, और पत्थर सब जगह, बहुत जगह पत्थर पड़े हुए हैं। 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बहरहाल स्टोन क्रेशर से ग्रामीण परेशान है, जब तक कि यह मंत्री हर्ष यादव का क्षेत्र है। ऐसे में अगर उनकी ही जनता इन रसूखों से परेशान होगी तो सवाल पैदा होना तो लाजमी है। आशीष दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999376776।